खबर फिरोजाबाद से, दरोगा के आतंक से व्यापारी हैं परेशान। 72 घंटे में दरोगा के खिलाफ कार्यवाही न होने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की व्यापार मंडल ने दी चेतावनी। पुलिस प्रशासन की लगातार फजीहत करा रहे हैं दरोगा। आए दिन लोगों से अभद्रता करने वाले दरोगा पर मेहरबान है जिम्मेदार। व्यापारियों और आम लोगों से निरंतर अभद्रता कर रहा है बेलगाम दरोगा। नान रोटी का ठेला लगाने वाले व्यापारी दीपक गुप्ता के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट एवं गला दबाने का दरोगा पर आरोप है। कुछ दिन पूर्व भी एक दुकान संचालक पर शराब पिलाने का आरोप लगाकर महीनादारी न देने पर दरोगा ने की थी गाली गलौज। थाना उत्तर क्षेत्र के चौकी गांधी पार्क का इंचार्ज है दरोगा भगत सिंह सहलू। ऐसा है, सरकारी बस स्टैंड के सामने एक नान रोटी बेचता है दीपक गुप्ता, उसको दीपक नान के नाम से ही मशहूर है वो। चौकी इंचार्ज महोदय आपके गांधी पार्क के भरत सिंह जी बताई जाते हैं, उनके द्वारा उस नान विक्रेता के संग गाली गलौज, मारपीट और अभद्रवार किया गया। जैसा कि दुकानदारों का कहना ये भी है कि यहाँ दुकानदार गवाह भी बता रहे हैं कि उन्होंने उसका गला दबाने के प्रयास भी किए, ये बता रहे हैं दुकानदार। तो एक जिम्मेदार आदमी को, एक जिम्मेदार पढ़े लिखे व्यक्ति को एक व्यापारी के साथ अभद्र व्यवहार करना न्याय उचित नहीं है। देखिए, सम्मान मोची का भी है, सम्मान हलवाई का भी है, सम्मान नान विक्रेता का भी है, सम्मान जो है प्रत्येक व्यक्ति का है। ये बाबा साहब के अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसमें लिखा हुआ है कि ऊंच नीच और वो जात पात या क्या नाम है किसी का अपमान करना रीत कार्य है। अच्छा, किस तरह का शासन मिला? व्यापार मंडल ने चौकी इंचार्ज के विरोध में यहाँ पर धरना दिया। धरना की हमने अपनी कार्रवाई एसपी सिटी श्री सर्वेश मिश्रा जी को बता दी। मैं सर्वेश मिश्रा जी के पास ही बैठा था, परशुराम जी लालवानी जो यहाँ के जो चौकी को एसओ साहब हैं श्री वैभव जी, उनको भेजा। हमने उन्हें लिखित में एक ज्ञापन दिया है कि 24 घंटे में चौकी इंचार्ज साहब के द्वारा जो अभद्रता की जाती है उसकी जाँच करें और 24 घंटे के बाद व्यापार मंडल यहाँ पर अपना अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन चालू कर देगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी शासन और प्रशासन की होगी।